अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पहली मैराथन का आगाज़ हो गया। कराची में होने वाली मैराथन चार कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। पहली कैटेगरी 42.2 किलोमीटर, दूसरी कैटेगरी 21.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मैराथन में 5 किलोमीटर की फंड रेस और रैली रेस भी शामिल है। मुकम्मल मैराथन 42.2 किलोमीटर और हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर की होगी। मैराथन जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पहली मैराथन हो चुका है। कराची में होने वाली मैराथन चार कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। पहली कैटेगरी 42.2 किलोमीटर, दूसरी कैटेगरी 21.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मैराथन में 5 किलोमीटर की फंड रेस और रैली रेस भी शामिल है। मुकम्मल मैराथन 42.2 किलोमीटर और हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर की होगी। मैराथन जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और मौसम की बात करेंगे। क्वेटा में आज और कल बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कराची में सर्द हवाएं चलने से सर्दी बढ़ने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक योग और ज्यारत में ही 28 और 29 जनवरी को बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सवात की वादी कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक मुल्क में असरअंदाज रहेंगी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -8, गिलगित में -5 तक गिर गया। मुख्तलिफ शाहराहें धुंध की लपेट में हैं। मोटरवेज पर गाड़ियों को मुख्तलिफ मुकामात पर दाखिले की इजाज़त नहीं। डिचकोट में धुंध की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और उसके मुजफ़ात के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल 3 माह से ये इलाके गहरी स्मोग और फोग की जद में हैं, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी अक्सर तब्दील होकर रह चुका है। दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ा में नमी का तनासब 95% है, जबकि 10 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। ड्यू फैक्टर बढ़ता जा रहा है और कोहरे की शदीद लहर जारी है, जिसने तमाम फसलों को बुरी तरह मिलिया मेट करके रख दिया है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें भी मुसलसल वीरान नज़र आती हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और मुसाफरों को सफ़र में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शहरियों को हिदायत की जा रही है और माहरीन सेहत भी शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दे रहे हैं। इसके साथ महकमा माहौलियात की बात की जाए तो महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोक पैदा करने वाले ज़राए के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके साथ मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये खुशखबरी दी गई है कि मज़ीद 3-4 रोज़ बाद फैसलाबाद और उसके गिरदनवा में बारिशें मतवक़ हैं, जिसके बाद स्मोक में कमी आ सकती है। ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं कसूर का, जहां मौजूद हैं आसिफ जावेद। उनसे जानते हैं कि धुंध की क्या सूरत हाल है। जी बताइए। जी बिल्कुल, कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आज शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध की वजह से ठंड की शिद्दत दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर कसूर के अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज कसूर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया है। आज कसूर के अंदर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 11 सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और जो कि धुंध के बढ़ने की वजह से दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। महकमा ट्रैफिक की तरफ से ये हिदायत जारी की जा रही है कि ऐसे मौसम में सफ़र कम से कम किया जाए, गाड़ियों के दरमियान फासला ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए ताकि लोग जानी हादसा से बच सकें। तिबी माहरीन का ये कह रहा है कि ऐसे मौसम में बूढ़े और बच्चों को ठंड से बचाया जाए। सबसे ज़्यादा लपेट में आ रहे हैं बूढ़े और बच्चे ठंड की वजह से, जिसकी वजह से नमूनिया जैसे मराइज जन्म ले रहे हैं और बच्चों के अंदर इमोशंस हैं और उसके अलावा बुखार है और जिल्द के मराइज दिन ब दिन फूट रहे हैं। ठीक है आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और ख़बर शामिल करेंगे इंतखाबात 2024 के हवाले से। तो वक्त कम और मुकाबला सख्त है। आम इंतखाबात में 11 दिन बाकी रह गए। संडे बन गया सियासी डे। बड़ी सियासी जमातें इन एक्शन, इंतखाबी मुहिम जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें आज सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने को तैयार। इकबाल के शहर सियालकोट में नून लीग का शेर धाड़ेगा। जलसे की तैयारियाँ आखिरी मराहल में दाखिल हो गईं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मतवालों का लहू गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी और बलूचिस्तान के शहर हब में सियासी अखाड़ा सजाएगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। डीएनपी के सरबरा फरमेंगल कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। कराची में भी 2 जलसे होंगे। 8 साल बाद मुका चौक अजीजाबाद पर पतंग की उड़ान। एमकेएम ने पंडाल सजा लिया।
पार्टी परचम लगा दिए गए। जमात इस्लामी बाग़ जिना कराची में सियासी ताकत दिखाएगी, स्टेज सज गया, कुर्सियाँ लगा दी गईं, हाफिज नईम रहमान खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनने देना गलती थी, ये बीमारी वही ही आई है। शहबाज शरीफ ने लियाकत बाग में खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को हेर फेर नहीं, शेर को वोट देना है। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, सियासी लीडर अपने सूबे में नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत दें। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मरीज दिल के इलाज के लिए रावलपिंडी आते हैं, मौका मिला तो पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। रिंग रोड बड़ा तोहफा है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था, ये बीमारी उधर से आई है, ना होता बांस ना बांसरी बनती। 8 फरवरी को फेर फेर को नहीं, शेर को वोट आपने देना है इंशाल्लाह। सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे। लाखों लैपटॉप नवाज शरीफ ने इस सूबे के और पाकिस्तान के दूसरे सूबों के जहीन बच्चों को दिए, फिर नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया, पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे, यहाँ पर अमराज का अस्पताल बना, दिल के अमराज का। कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग, केपी के लोग यहाँ पर इस अस्पताल में आते हैं। रिंग रोड जो कि रावलपिंडी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, वो जल्द इंशाल्लाह उसको मुकम्मल किया जाएगा। मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ को ट्विटर पर जवाब लिखा। नवाज शरीफ खैरपुर गंबट में मनाजरा कर लें, जहां का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। गंबट अस्पताल में इलाज बिल्कुल मुफ्त है, नवाज शरीफ थरपार कर आकर भी मनाजरा कर सकते हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा और चोलिस्तान से मुवाजना भी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियाँ साहब कराची के NICVD के बाहर मुबाहसा कर लें, मियाँ साहब राह फरार इख्तियार ना करें बल्कि मनाजरे की तारीख और मुकाम बताएं। बिलावल भुट्टो ने पेशावर में जलसे से खिताब में कहा कि आपने 3 मरतबा नवाज शरीफ को देखा है, बताएं वो कितना सच्चा है। ये हमारे मंशूर पर वोट मांगते हैं, नून लीग अशराफिया और पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी करती है। आपने 3-3 दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है, ये अपने मंशूर पे नहीं आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी पे जुल्म करते थे, उनको अपने आंखों के सामने अपनी बेटी के खिलाफ जुल्म देखना पड़ा, ये कुदरत का निजाम है, ये मुक्किफाते अमल होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं इंतकामी सियासत नहीं करूँ, मैं नफरत की सियासत नहीं करूँ, मैं अपने सियासी मुखालिफ के बेटियों को बहनों को गिरफ्तार करके ये सियासत में, हमारा सियासत में, पीपी के सियासत में नहीं हो। खान साहब को भी समझाते रहे कि ऐसे ना करो, वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ। कहता था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। मसला उसका सिर्फ इतना है कि कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। 15 साल हुक्मरानी करने वाली जमात के सूबे के स्कूलों में बच्चों के बजाय भैंसे बंधी हुई हैं। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल तक हुकूमत करने वालों का मंशूर घड़ी चोरी और पेट्रोल बम है। अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहाँ पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो तो कैसा मंशूर है वो। एक और जमात भी है जिसकी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, कि उनके मंशूर में क्या लिखा है, घड़ी चोरी, उसका मंशूर वो पेट्रोल बम है। खुदा के वास्ते वोट डालते वक्त ये सोच लेना कि ये वोट खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर का फैसला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने पसमानदा रहना है, गरीब रहना है, या खैबर पख्तूनख्वा ने
पंजाब की तरह तरक्की करनी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिए है कि बिजली के बिलों में 30% कमी कैसे करनी है। क्या ऑरेंज ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या मेट्रो बस एबटाबाद का हक नहीं? अभी आपको बताएं कि एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो को लाड़काना का मवाजना नारोवाल से करने का चैलेंज दोहरा दिया। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि बिलावल को ऐसे ही नहीं कह रहा कि भड़के ना मारो, इंतखाबात में नू लीग मरकज और सूबे में हुकूमत बनाएगी, मुस्लिम लीग को जो वोट देगा वो फ़ायदे में रहेगा। लीगी रहनुमा का कहना था कि बानी पीजे एक फितना और फरेब है, बैरूनी ताकतें बानी पीजे के ज़रिए इंतशार पैदा करना चाहती हैं। आठ साल बाद मुक्का चौक पर पतंग की उड़ान, अजीज़ाबाद में एमकेएम का जलसा आज होगा, पार्टी परचम लगा दिए गए, एमकेएम ने कामयाबी के लिए कमर कसी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अजीज़ाबाद में खिताब करते हुए कहा कि जब एमकेएम ने इलेक्शन का बायकॉट किया था तो कराची की सड़कें रेगिस्तान बन गई। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास की हुकूमत को भी आईनी तहफ़ देना होगा। बल्दियाती हुकूमत के अख्तियार और महकमे किसी वजीर अला की मेहरबानी से नहीं चाहिए। कहा 8 फरवरी को शहर कायद कराची वालों को वापस मिल जाएगा। इस तरह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को आईनी तहफ्फुज दिया गया है, इसी तरह कराची की हुकूमत को, हैदराबाद की हुकूमत को, नवाबशाह की हुकूमत को, सक्खर की हुकूमत को, मीरपुर खास की हुकूमत को और कस्बों और देहातों की हुकूमतों को आईन उसी तरह तहफ्फुज दे। बल्दियाती हुकूमत के भी इख्तियारात और महकमे किसी वजीर आला की खैरात के तौर पे नहीं चाहिए, किसी वजीर आजम की मेहरबानी से नहीं चाहिए। 8 फरवरी को इस शहर की वापसी का, इस शहर को वापस शहर वालों के हवाले करने का अहकाम जारी हो जाए। जब तहरीक ने कहा घरों पे बैठना है, बाइकॉट करना है इलेक्शन में, तो कराची रेगिस्तान बन गया। अमरीका खत्ते में एक और जंग चाहता है, बैनुल अक्वामी ताकतें एक कमज़ोर पाकिस्तान चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा अम के सिवाय हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं। ईरान पाकिस्तान मामले पर भारत खुश हुआ, चीन का इस मामले में किरदार बहुत अहम है। मजीद कहा कि हमारा मंशूर सच्चाई पर मबनी है, 1200 PhD स्कॉलर्स ने मंशूर तैयार करने में साथ दिया, अल्लाह के निज़ाम पर यकीन करते हुए IMF से छुटकारा हासिल करना चाहिए। का इस मुल्क में, इस खित्ते में, इस रीजन में एक और जंग बरपा करना चाहते हैं। बैनुल अक्वामी ताकतें हैं जो एक कमज़ोर पाकिस्तान चाहते हैं, अमन के अलावा हमारे साथ और कोई चॉइस नहीं है। देखिए, जब ईरान और पाकिस्तान का टेंशन बन गया तो आपने देखा किसने सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार किया, इंडिया ने किया। चाइना का किरदार इस वक्त बहुत अहम है। हमारा मंशूर दोनों से 100% मुख्तलिफ है, इसलिए कि वो सच्चाई पर मबनी है। हमारे साथ 1200 PhD स्कॉलर्स है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अल्लाह पर एतमाद किया, हम IMF को अलविदा कहेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नाम निहाल सरमचारों ने मजीद मासूम शहरियों को कत्ल कर दिया। BLA और BLF के दहशतगर्दों ने ईरान के शहर सरावान में 9 पाकिस्तानियों की जान ले ली। घर में घुसकर निहत्ते शहरियों की जान ली गई। 5 मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के शहर अलीपुर से है। पाकिस्तानी मुसल्ला फाज ने चंद रोज पहले दहशतगर्द सरमचारों के 7 ठिकानों को तबाह किया था। अमन दुश्मन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया। दहशतगर्द सरमचारों ने ईरान की सरजमीन पर मेहनतकश पाकिस्तानियों को खून में नहला दिया। हजारों मील सफर करके रोजी की तलाश में आए अफराद मौत की वादी में सुला दिए गए। BLF और BLA ने गरीब मेहनतकशों पर कयामत ढा दी। दहशतगर्द सरमचारों ने ईरान के शहर सरावान में कार्रवाई करके 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। शहीद होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों से है। 2 मजदूरों का ताल्लुक लोदरा के इलाके गैलेवाल से है। जख्मियों को सरावान के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। शहीद होने वालों में जुबैर, अबू बकर, अजहर, अशफाक, शुएब और दीगर शामिल हैं। तमाम मजदूर वर्कशॉप पर काम करते और एक ही कमरे में रहायश पजीर थे, जिन्हें घर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया गया।
सामने आने वाली फुटेजेस में मक्तूलीन फर्श पर खून में लथपथ पड़े नजर आ रहे हैं। जराए के मुताबिक दहशतगर्द शर्मचारों का ताल्लुक कलअदम BLA और BLF से है। पाकिस्तान मुसल्ला अफवाज ने चंद रोज पहले ईरान में दहशतगर्द शर्मचारों के 7 ठिकानों को तबाह किया था। पाकिस्तान का ईरान में होने वाले अंदोहनाक वाक़े पर शदीद रद्दअमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ईरानी हुकाम से फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान ईरानी हुकाम के साथ रابطے में है। पाकिस्तानी कौंसल जनरल मुकामी ईरानी हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी कौंसल जनरल ईरानी हुकाम पर मुजरमान के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई पर जोर देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद बताया, पाकिस्तानी सफारतखाना शहरियों के जस्से खाकी की जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। ऐसे बुजदिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक सैफर केस की समाअत, शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से 2 बार बदतमीजी की, फाइल छीन कर दीवार पर मार दी। बानी पीटीआई ने भी मौजूद जज से बदतमीजी की, सूरत हाल पर जज को वार्निंग देना पड़ी। मुलजिमान का कहना था कि उनका हकी दिफा छीना जा रहा है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की उनसे वकला से फ़ोन पर बात भी कराई गई। जज का कहना था कि वो ऑर्डर करके थक गए हैं, मगर आपके वकील नहीं आते। सैफर केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अफसोसनाक खबर देंगे आपको शेखपुरा से, जिसके इलाके थाना सदर की हदूद में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया, 1 जख्मी हो गया। कत्ल होने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल हैं। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान ने तेज़ धार आले से तमाम अफराद को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश में इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। सस्ती गाड़ी का इश्तहार देख कर गुजरात से कश्मीर जाने वाले 3 शहरी फंस गए। डाकुओं ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने नौजवानों पर तशद्दुद भी किया और रिहाई के बदले 4 करोड़ रुपए तावान तलब किया। तावान ना देने की सूरत में तमाम अफराद को मारने की धमकी दी। नौजवान सस्ती गाड़ी का इश्तहार देख कर कश्मीर गए थे। नौजवानों के अगवा के बाद ऑडियो मैसेजेस सामने आ गए। कराची में पुलिस का जराइम पेशा अनासर पर शिकंजा तंग हो गया। लियारी कलाकोट में गैंग वॉर कारिंदों से मुकाबला। फाने के तबादले के बाद 2 भत्ताखोर गिरफ्तार। असा और दस्ती बम बरामद। पुलिस के मुताबिक संगीन नौयत की वारदातों में मुलविस मुलजिमान ताजरों की भत्ता की पर्चियां देते थे। सुपर हाईवे पर AVLC और CIA की कार्रवाई। छीनी गई गाड़ी बरामद। मलीन सऊदाबाद न्यू कराची युगोट आराम बाग पीपल्स स्क्वायर के करीब फायरिंग से JUIFA के कारकुन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। उधर सईदाबाद बिरयानी सेंटर में झगड़े के दौरान फायरिंग से नज़ीर नामी शख्स जख्मी हो गया। फायरिंग में मुलविस यूसुफ नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के थाना बादामी बाग के हदूद में 2 सियासी जमातों में झगड़ा, हाथापाई और फायरिंग से दोनों जानब के 8 कारकुन जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को पेट और पाँव पर गोलियाँ लगें। 1 को आँख पर चोट आई है। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर सूरत हाल को कंट्रोल किया। ओकाड़ा के थाना गोगीरा के हदूद गांव जबोका में डकैती की वारदात। डाकू घर वालों को यरकमाल बनाने के बाद तलाई जेवरात और लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। डकैती की वारदात के दौरान खातून के हाथ पांव बांध कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। नवाब बीबी दम घुटने से मौके पर ही दम तोड़ गई। वर्षा ने लाश अस्पताल के बाहर सड़क पर रख कर भरपूर एहतजाज किया। तो उधर लाहौर में डकैत बेलगाम। हरबंसपुरा में डाकू देन दिहाड़े खातून के कान से बालियाँ नोच कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुतासर खातून की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन से आपको खबर देंगे, जहां बिजली के टावर पर चढ़ने वाले नौजवान को नीचे उतार लिया गया। बिजली के हाई टेंशन पोल पर चढ़ने वाला नौजवान नशे का आदी निकला। नौजवान ने पुलिस को बताया कि खुदकुशी के लिए नहीं, एहतजाजन बिजली के पोल पर चढ़ा था, जिसकी वजह नशे के लिए पैसे ना होना था। रेस्क्यू 1122 और इलाका पुलिस ने बर वक्त पहुँच कर नौजवानों को नीचे उतरने पर आमादा किया। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहाँ पुलिस अफसर की दयार गैर से आए मेहमान से बदसलूकी। सादिकाबाद थाना सदर के ASI ने इटली के सयाह एलेक्स को थप्पड़ जड़ दिया। ASI के सयाह के साथ नारवा सुलू की फुटेज सामने आ गई। एलेक्स समेत 3 गैर मुल्की सयाह साइकिलों पर शाहरा पाकिस्तान पर महवे सफर थे। सयाहों ने बाईपास पर धरना दे दिया। गैर मुल्की सयाह खातून का कहना है कि पुलिस अहलकारों ने गन निकाल कर उन्हें शूट करने की कोशिश की। IG पंजाब के आने तक नहीं जाएंगे। बलूचिस्तान में शरपसंदों का वार। खारान में दस्ती बम हमला। नामालूम मुलजमान बलोचाबाद में दस्ती बम फेंक कर फरार। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान, दानिश्वर, कॉलम निगार और कानूनदान नफीस सिद्दीकी एडवोकेट इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना का कहना है कि नफीस सिद्दीकी गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे। नफीस सिद्दीकी के नमाज़ी जनाजा आज बाद नमाज़ ज़ुहर जामे मस्जिद नूरुल सलाम जमजमा में अदा की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो इसराइल की हठधर्मी बरकरार है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को भी खातिर में ना लाया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 174 फलस्तीनी शहादतें जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हैं। खान यूनुस में दर्जनों अफराद शहीद। रफा में मकान पर हमले में 3 अफराद जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 26,257 हो गई। 64,797 जख्मी हैं। अस्पताल भी सफाक इसराइल के निशाने पर है। इसराइल के लबनान की सरहद पर फौजी मशकें। आलमी अदालत के फैसले पर सलामती कौंसिल का अजलास बुध को तलब। मुल्की शहरियों का यरगमाली हमवतनों की बासियाबी के लिए एहतजाज काम कर गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कतर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। कैदियों की रिहाई के लिए सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कतर हमास पर कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डाले। आलमी अदालत इंसाफ ने हमें जंग खत्म करने पर मजबूर नहीं किया। हम एक बड़ी फौजी सरमायाकारी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। हमास ने इसराइली वजीर आजम को खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। हमास रहनुमा का कहना है कि नेतन्याहू खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बड़ा ख़तरा है। ये एक झूठा शख्स और इसके गजा में ज़ाती मफादात हैं। नेतन्याहू को मालूम है कि हमास को ख़त्म करना नामुमकिन है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी चाहते हैं। इसराइली वजीर आजम जंग को तूल देना चाहते हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में फलस्तीन के हक में हजारों अफरादों की रैली। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और उर्दुन में भी एहतजाज हुआ। भारतीय यौम जमहूरिया पर अमरीका में सिखों का एहतजाज। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कौंसलेट के सामने मुजाहरा किया गया। खालिस्तान के झंडे उठाए सिखों ने भारतीय तिरंगा जला दिया। खवातीन और बच्चे भी एहतजाज में शरीक हुए। आज सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान रेफरेंडम होगा। तैयारी मुकम्मल कर ली गई। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से जहां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से हरा दिया। ईस्ट लंदन में पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की। कीवी बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सके और पूरी टीम 140 रन पर ही ढेर हो गई। अरफाक मिनहास और उबैद शाह ने 3-3 शिकार किए। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने किसी नुकसान के बगैर 141 रन का हदफ 26वें ओवर में पूरा कर लिया। शाहजेब खान ने 80 और शामिल हुसैन ने 54 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह इवेंट में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी जीत है। और सिंध प्रीमियर लीग के लिए दुबई से खसूसी तौर पर कराची आमद रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने कहा कि मीरपुर खास टाइगर्स का हिस्सा बनने पर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। सिंध प्रीमियर लीग के इनेकाद का फैसला बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि सिंध प्रीमियर लीग बहुत आगे तक जाएगी। सिंध प्रीमियर लीग की तमाम फ्रेंचाइजेस ने नौजवान क्रिकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। न्यूकासल यूनाइटेड फिल्म को शिकस्त देकर एफए कप के 5वें राउंड में पहुंच गए। फातह टीम ने 2-0 से मार्कअप अपने नाम किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की जानिब से मुस्बत सरगर्मियाँ। क्रिकेट प्रीमियर लीग और फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। निशान हैदर फुटबॉल टूर्नामेंट में शुमाली वज़ीरिस्तान, बन्नू और लकी मरवत से 24 टीमों की शिरकत। 17 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट के अख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने इनाम तकसीम किए। शुमाली वज़ीरिस्तान के अवाम का टूर्नामेंट के इनेकाद पर पाक फ़ौज का शुक्रिया। बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम ने तूल पकड़ लिया। बांग्लादेश में इंडिया आउट के नाम से मुहिम ने बांग्लादेश और हिंदुस्तान की हुकूमत को तश्वीश में मुब्तला कर दिया। बांग्लादेश के अवाम ने शेख हसीना की मुतनाज़ा जीत का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया। शदीद रद्द अमल का भी मुजाहरा किया। दोनों ममालिक तजारती ताल्लुकात भी मुतासर हो रहे हैं। और फ्रांस में हुस्न के जलवे। पेरिस में पाकिस्तानी मलबूसात की धूम। पाकिस्तानी सफारतखाने में फैशन शो का इनेकाद। पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन करदा लिबास की नुमाइश की गई। खुबरू मॉडल्स पाकिस्तान की रैम पर वॉक। मलबूसात दिलचस्पी का मरकज बने रहे। गुलूकारा क्लारा बैलन ने अपनी दिलफरेब आवाज़ में परफॉर्मेंस देकर हाज़रीन को महसूर किया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।